Assalamualaikum. Welcome to Student Tube. आज के इस लेक्चर में चैप्टर 7 आई कम पार्ट 1 बिजनेस मैथ बुक शाहिद जमाल की चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन है हमारे पास 7.79 क्रेमर रूल की मदद से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डी में क्या है हमारे पास। सो डी में होता है ए वन और बी वन। तो यहाँ पर है ए वन वन, ए टू है थ्री, बी वन है टू, बी टू है फोर। ठीक है, फिर होता है डी एक्स। तो डी एक्स में क्या आता है, बी और सी। ठीक है, तो C1 आता है पहले, तो 10, C2 is 8, B1 is 2 and B2 is 4। फिर होता है dy, तो dy में होता है A1 और C1, तो 1 and 10 and 3 और 8। ठीक है, अब D फाइंड करना है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट को जिस तरह से हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर उसे माइनस। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का 2। फिर हम फाइंड करेंगे dx। सो dx में क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 4। आप चाहें तो इसे अगेन dx में इसका ये जो मैट्रिक्स है वो लिखें और फिर मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा स्टेपिंग करेंगे उतने ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। 10 4 ज़ा 40 माइनस 8 2 ज़ा 16। सो 40 माइनस 16 इज 24। देन डी वाई में क्या है हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 8 वन ज़ा 8 माइनस 3 10 ज़ा 30। तो ये हो गए, 30 में से 8 चले गए तो 22। सो अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी, एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए डी वाई अपॉन डी। सो डी एक्स क्या है हमारे पास, 24 अपॉन माइनस 2, एंड डी वाई में आ जाएगा 22 अपॉन माइनस 2। और यहाँ पर वैल्यू माइनस की है, ठीक है, क्योंकि 30 बड़ी वैल्यू है। सो 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। तो ये हो गया माइनस का 12। यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये हो गया 11। सो माइनस 12 एंड 11 आंसर। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो आपने इसे करना है लाइक शेयर, एंड चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।